तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो फिलहाल देखो, आज के वीडियो में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद मतलब टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि एस लॉबी पे कैसे सरवाइव करना चाहिए जिससे हाई प्लस मिले। पर यहाँ पे सबसे पहले सीन देखो कि इवेंट पे मैं ही यहाँ पे फिनिश हो जाता हूँ बहुत ही इजीली। पर कोई नहीं, यहाँ पे रिकॉल हो गया ना, मैं सोचता हूँ मेरे पास टाइम है तो सोचते हैं कि थोड़ा सा फिर से सर्वाइव किया जाए। तो मैं यहाँ पे प्रिजन उतर जाता हूँ, तो यहाँ पे सीन देखना। और यहाँ पे उतरते ही ना मेरे को दो तीन बंदे का फुटप्रिंट आता है। और यहाँ पे बस अब लोग फाइट एंजॉय करो, कैसे बैक टू बैक मैं यहाँ पे किल्स निकालता हूँ, बस देखो। तो यहाँ पे ऑन एचपी के साथ ना भाई मैं दो दो किल निकाल लेता हूँ आराम से। तो ये वाला किल्स जो है ना कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक मैं सर्वाइव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दो बॉट भैया भी मिल जाता है, तो उन दो बॉट भैया को किल करने के बाद ना आराम से यहाँ पर चार किल भी हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे अच्छा खासा मेरे को चार किल हो जाता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ थोड़ा सा और सर्वाइव करते हैं, देखते हैं एक दो किल और मिलता है कि नहीं। पर यहाँ पे हो जाता है मेरे साथ गलत सीन। मैं यहाँ पे होल्ड ही कर रहा था और तभी यहाँ पे नीचे साइड से एक बंदा आके ना मेरे पे नेड करता है और मैं कैसे यहाँ पर फिनिश होता हूँ, बस सीन देखो। यहाँ पे सीन ऐसा ही होता है, जब आप दूसरे रिकॉल यूज़ करने जाते हो ना कोई गड़बड़ हो ही जाता है। उसके बाद आप खुद फिनिश होकर ना यहाँ पे आ जाते हो। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि कैंपर एकदम खतरनाक लेवल का रहता है। यहाँ पे बस मैं कैसे सर्वाइव निकालता हूँ और उसके बाद कैसे रिकॉल होता हूँ, बस वो सीन देखना भाई, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे देख ही सकते हो किस लेवल का मैंने सर्वाइव निकाला भाई। इधर का किल मेरे को मतलब काउंट होता ना तो भाई अच्छा खासा यहाँ पे सात किल आराम से हो जाता। पर कोई नहीं, यहाँ पे मेरे जो है ना किल्स काउंट नहीं होता। उसके बाद मैं रिकॉल हो जाता हूँ और रिकॉल होने के बाद ना जोन के बाहर जाके अपने हिसाब से सर्वाइव करूँगा यही सोचा था। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर उतर जाता हूँ, पर यहाँ पर मेरे को एक भी गाड़ी नहीं मिलता। काफ़ी देर तक घूमने के बाद ना मैं ये वाला सामने वाला जो घर है ना इस घर में आता हूँ और तभी मेरे को एक बंदे का फुटप्रिंट आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर कैम करते, नहीं तो बंदा मेरे को पहले स्पॉट होना चाहिए कहाँ पे है बंदा, पता नहीं। यहाँ पे मेरे पास रिकॉल भी नहीं था तो मैं यहाँ पे सोच के बस खड़ा मतलब क्या बोलते इसको कैम कर रहा हूँ या होल्ड कर रहा था। और तभी यहाँ पे मैं सोचता हूँ थोड़ा सा रिस्क लेके आगे चलते हैं और आगे चल के देखना बंदे का फुटप्रिंट आता है यहाँ पे मेरे को। और यहाँ पे एक प्यारा नेड के साथ ना भाई को इजी फिनिश कर देते हैं। और मेरे को तो एकदम अच्छा खासा पांच किल निकाल लिया था। मैं सोचा भाई अब सर्वाइव करूँगा, एकदम एंड में जाके दो तीन किल निकालूंगा, आराम से यहाँ पे अच्छा खासा प्लस मिलेगा। पर मेरे को भाई चिकन कहाँ मिलने वाला, समझ रहे हो ना। तो भाई चिकन तो मिलने नहीं वाला, पर उससे पहले देखो थोड़ा सा बात कर लेते किस टाइप से आपको खेलना है। उम्मीद है मैं जितने भी वॉइस ओवर किया हूँ या कुछ थोड़ा सा भी सुने होगा ना तो समझ गए होंगे, क्योंकि देखो पहला रिकॉल ही आपको यूज़ करना है भाई। एस पे हो, क्राउन पे हो, जितने जिस भी टायर पर हो ना, थोड़ा हाई टायर पर हो ना या एस मास्टर पर भी हो ना, तो आपको पहला ही रिकॉल यूज़ करना है, दूसरा रिकॉल यूज़ मत करो। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कितना रिस्क के बाद मैं यहाँ पर सर्वाइव करो, पर हर बार ऐसे लक नहीं रहता। कभी कभी आप बिना लक के भी खेलोगे ना तो आप ईजी यहाँ पे फिनिश हो जाओगे, तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे मैं वही बताना चाहूँगा कि देखो पहला रिकॉल यूज़ करो, उसके बाद रिकॉल यूज़ हो जाए तो आप फिनिश हो जाओ इवेंट पे, दो तीन एक जीरो जितना भी किल मिले ना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जोन के बाहर जाकर सर्वाइव करो, प्लस नहीं मिल रहा है तो आप भाई बहुत प्रो बंदे हो, तो भाई रिकॉल यूज़ करके खेलो, कोई
दिक्कत नहीं है। मैं खुद को भाई प्रो नहीं मानता, इसलिए मैं अपने हिसाब से जो खेलता हूँ ना वही टिप्स एंड ट्रिक देता हूँ। पर वो टिप्स एंड ट्रिक यूज़ करोगे ना, आप प्रो हो नूब हो खेलना नहीं आता फिर भी आप कॉन्कर कर सकते हो। ये मेरा स्ट्रेटजी का जो भी बोलो फंडा है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक लो एंड डिवाइस प्लेयर हूँ फिर भी मैं अच्छा खासा प्लस निकालता हूँ हर एक मैच में। क्योंकि भाई हर एक मैच में मैं 30 का प्लस निकालता हूँ, बाई चांस एक दो मैच ऐसा रहता है जिसमें मेरे को प्लस नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलता है, पर माइनस बहुत ही कम खाता हूँ। इस अभी इतना मैच खेल रहा था ना, बस एक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से एक ही मेरे को जो है ना माइनस लगा, और उसके बावजूद एक भी माइनस मेरे को नहीं लगा। तो यही सीन है, इस टाइप से आपको खेलना है, खेलने के बाद ना आप इजी कॉन्करर कर सकते हो। अब देखो गेम प्ले की बात थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पे मैं जोन के अंदर एंटी ले रहा था और तभी मेरे को सामने जो है ना ड्रॉप दिखता है, तो ड्रॉप पे आता हूँ तो एक बंदा स्पॉट होता है यहाँ पे। तो सीन देखो, अब देख रहे हो तुम्हारा भाई का नेट, भाई भाई लकीली मैं नेट यूज़ नहीं करता, नहीं तो भाई अकेला लॉबी खा लेता, समझ रहे हो ना। नेट सही, इतना पावर है मेरे नेट पे। कोई नहीं, यहाँ पे मैं भाई अच्छा खासा फिर से एक किल मिल जाता है। 6 किल निकालने के बाद ना मैं एकदम सेफ खेलना चाहता था, इसलिए मैं ये वाला शैक देख सकते हो, शैक पे आता हूँ और तभी यहाँ पे देखना बैक टू बैक कैसे मेरे को फिनिशेस मिलता है, बस मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे फाइट देखो, तो फिलहाल यहाँ पे देख ही सकते हो जोन के बीच में या जोन के अंदर कहीं भी एक अच्छा खासा आपको कवर वगैरह मिल जाए, पोजीशन मिल जाए ना, तो आराम से यहाँ पे स्प्रे देके बंदे उतार सकते हो। तो भाई हर बार मेरे को नहीं मिलता, इस बार मिल गया था लकीली। तो यहाँ पे बैक टू बैक मैं आराम से 2 किल निकाल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी से मतलब थोड़ा सा होल्ड कर देना, और एक यहाँ पे गाड़ी का साउंड आता है। तो फिलहाल इस गाड़ी वाले बंदे को भी अच्छा खासा मैं डैमेज देता हूँ, पर लकीली मतलब अनलकीली बंदा गाड़ी से उतरता नहीं है। पर कोई नहीं, यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे पास थोड़ा सा गोलियाँ जो है ना F5 का एमओ थोड़ा सा कम हो चुका है, तो मैं सोचता सामने वाले शैक पे एक बंदे को मैंने फिनिश किया, तो उसको मतलब उसका जो पेटी है ना वो लूटने के लिए मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ और बग्गी लेके, और यहाँ पे सीन देखना क्या होता है मेरे साथ। यहाँ पे भाई साहब मैंने क्या ही बचा, मतलब मेरे को लगा नहीं था, मैं यहाँ पे सोचा था भाई मैं फिनिश, अब कोई रोक ही नहीं सकता। तो पर ऐसा सीन नहीं है कि इसके बाद बहुत अच्छा मैच जाने वाला है, बस सीन देखो यहाँ पे अपना लूट वगैरह जो है ना मतलब हीलिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद ना इस पेटी में देखता हूँ, पर इसमें भी 5 का एमओ नहीं था, तो मैं सोचता हूँ भाई शायद मेरे गाड़ी का जो मतलब डिग्गी है ना उसमें भी हो सकता है 5 का एमओ, तो वो लेने जाता हूँ ना, तब देखना क्या सीन होता है। ऐसा कैंपर भाई मेरे मैच में क्यों आता है भाई, तो ओपन में ऐसे कौन लेटता है बताओ भाई। इसी चक्कर में भाई इजी चिकन मेरा मिस हो जाता है भाई, #2 निकालने के बाद भी मैं चिकन नहीं निकाल पाता, इतना दुख हो रहा है ना इस सीजन, क्या ही बताओ। एक ही चिकन निकाला हो बस, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के बाद, फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा मेरे को भाई 29 का प्लस मिला है, वो भी #10 पे, मतलब #5 #2 वगैरह भी सर्वाइव नहीं किया, तो कैसे मैं सर्वाइव निकाला हूँ, कैसे जोन सर्वाइव किया हूँ, ये सब टिप्स थोड़ा से यूज़ करो, देखना हर एक मैच में आपको प्लस मिलेगा। और इस मैच के बाद मेरा जो रैंक है ना भाई 3,500 के आसपास आ गया था, यहाँ पे आप लोग देख लेना। और बस यही सीन था, और कुछ भी डाउट हो रहा है रैंक पुशिंग में तो कमेंट करो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, या इंस्टा पे आके भी मेरे को मैसेज वगैरह या DM वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही था, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए ना तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।